फिरोज गांधी हिंदू थे या मुस्लिम और कौन से रीति रिवाज से हुआ था उनका अंतिम संस्कार। दोस्तों, जब कभी गांधी परिवार का जिक्र होता है तो उसमें सबसे बड़ा सवाल उनकी जाति और गोत्र को लेकर उठता है, जिसके लपेटे में चाचा नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक हर कोई सुर्खियों में रहा। वेल, इसी कड़ी में एक नाम आता है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी का, जिन्हें कोई हिंदू कहता है तो कोई मुस्लिम। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर फिरोज गांधी हिंदू थे तो उन्हें दफनाया क्यों गया, और तो और वो गांधी नहीं थे तो फिर ये उपनाम कैसे मिला। आइए जानते हैं फिरोज गांधी से जुड़े ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब, बस हमारे वीडियो में बने रहे अंत तक। गांधी परिवार और उनसे जुड़े लोगों के बारे में तो आप सभी जानते रहते हैं, मगर जब कभी बात आती है फिरोज गांधी की तो हम में से बेहद कम ही लोग होंगे जो उनके परिवार के बारे में जानते हैं। इसलिए आज जब बात फिरोज गांधी की हो रही है तो हमारे लिए सबसे पहले उनके परिवार के बारे में जानना जरूरी है, जिसके अनुसार ये कहा जाता है कि फिरोज गांधी का जन्म 12 सितंबर 1912 में एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जहांगीर फरदून घाड़ी था और उनकी माता का नाम रति माए कमिसारियत था। फिरोज गांधी के पिता एक मरीन इंजीनियर थे जो कि 5 बच्चों के साथ मुंबई में रहा करते थे, जिनमें से सबसे छोटे थे फिरोज। फिरोज बचपन से ही ऊंचे मंसूबों वाले थे। बेहद कम उम्र में पिता के गुजरने के बाद फिरोज अपनी आंटी शिरीन कमिसारियत के पास अल्लाहाबाद चले गए। बता दें कि शिरीन उस वक्त इलाहाबाद की जानी मानी सर्जन थी और लेडी डफरिन अस्पताल में प्रैक्टिस किया करती थी। फिरोज ने भी वहीं के इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला ले लिया था और बेहद कम उम्र में ही वो कांग्रेस के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेने लगे थे। यहाँ तक कि एक समय ऐसा भी आया जब वो कॉलेज छोड़कर कांग्रेस के कार्यकर्ता बन गए। पंडित नेहरू के बाकी खास कार्यकर्ताओं की तरह फिरोज भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना आदर्श मानने लगे और उनको मिलने के सिलसिले में वो आनंद भवन आने जाने लगे। यहीं पर उनकी सबसे पहले मुलाकात पंडित जवाहरलाल की सबसे लाडली बेटी इंदिरा गांधी से हुई, जो कि वैसे तो एक लड़की थी मगर चाचा नेहरू उनमें अपना बेटा देखते थे। वो उनकी हर छोटी बड़ी मांग पूरी करते थे और शायद ही कभी ऐसा हुआ जब उन्होंने इंदिरा गांधी की ना सुनी हो। साथ ही साथ वो अपनी मां की भी बेहद लाडली थी। बताया जाता है कि जब कमला नेहरू बीमार हुई और आनंद भवन में थी तब वो इंदिरा ही थी जिन्होंने अपनी माँ का ख्याल एक नर्स के रूप में रखा था, उनकी खूब सेवा की थी। फिरोज भी इंदिरा गांधी के इसी अंदाज से प्रभावित हुए थे और उन्हें अपना दिल दे बैठे। यहाँ तक कि इस दौरान उन्होंने इंदिरा गांधी को शादी के लिए प्रपोज भी किया था, मगर बदकिस्मती से महज 16 साल की इंदिरा ने उस वक्त फिरोज को इसके लिए मना कर दिया। इसके बाद फिरोज और इंदिरा दोनों पढ़ाई के लिए यूरोप चले गए। फिरोज की आंटी डॉक्टर शिरीन कमिसारियत ने उन्हें ये सोचकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भेजा था ताकि उनके दिमाग से इंदिरा का भूत उतर सके और वो नेहरू खानदान से दूर रहे। मगर दोस्तों, हुआ इससे कुछ उल्टा और लंदन में रहते रहते इंदिरा और फिरोज एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि अब उन्हें जुदा करना किसी के बस की बात नहीं थी। वतन वापसी के बाद इंदिरा गांधी ने अपने पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू से फिरोज से शादी की इच्छा जाहिर की तो पंडित जी के साथ साथ उनके परिवार के हर एक सदस्य भड़क गए। सभी इसके खिलाफ थे, लेकिन अंत में अपनी लाडली बेटी इंदिरा के आगे जवाहरलाल नेहरू की भी ना चली। अंत में मार्च 1942 में आनंद भवन में ही सभी की रजामंदी से पंडित जी द्वारा बोले गए पवित्र मंत्रों और प्रतिज्ञाओं के उच्चारण करते हुए दोनों की शादी संपन्न हुई। वेल दोस्तों, ये तो हो रही है फिरोज और इंदिरा के लव स्टोरी की बात। आखिर वो कैसे देखते ही देखते एक दूसरे के हो गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब महात्मा गांधी हिंदू और फिरोज के पारसी होने के बावजूद वो गांधी कैसे बन गए। तो बता दे कि ये उन दिनों की बात है जब फिरोज इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ा करते थे। उन्हीं दिनों पंडित जवाहरलाल की पत्नी कमला नेहरू कॉलेज के बाहर सत्याग्रह की अगुवाई करा करती थी। एक दिन तबीयत खराब होने के चलते कमला नेहरू अचानक गश खाकर कॉलेज के गेट के बाहर गिर गई। युवा फिरोज फौरन उनकी मदद के लिए आगे बढ़े और बस यहीं से वो नेहरू परिवार के करीबी हो गए
और देखते ही देखते खुद का नाम गांधी की जगह गांधी लगाना शुरू कर दिया, जो कि एक तरीके से महात्मा गांधी के सम्मान के साथ जुड़ा था। अब कई लोगों का मानना है कि पारसी कोई और नहीं बल्कि मुसलमान ही होते हैं। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल पारसी एक धर्म है जो तकरीबन 1200 साल पहले फारस और ईरान में रहने वाले लोगों द्वारा खोजा गया था। बताया जाता है कि 1 सितंबर 1960 के आसपास फिरोज गांधी के सीने में दर्द की शिकायत थी। 7 सितंबर 1960 को जब उनका दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उन्होंने अपने दोस्त डॉक्टर एचएस खोसला को फोन किया और खुद गाड़ी चलाकर दिल्ली के वेलिंगटन अस्पताल पहुंचे। उस वक्त उनकी पत्नी इंदिरा गांधी दिल्ली से करीब 3000 किलोमीटर दूर त्रिवेंद्रम में थी। इंदिरा को जब इस बात की खबर मिली तो वो फौरन दिल्ली के लिए रवाना हो गई। इंदिरा रात भर पति फिरोज की बगल में बैठी रही और फिरोज उस वक्त बेहोश थे। 8 सितंबर की सुबह चंद मिनटों के लिए फिरोज की आंखें जरूर खुली, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। इसके बाद फिरोज गांधी के पार्थिव शरीर को अस्पताल से 3 मूर्ति भवन लाया गया, मगर इंदिरा नहीं चाहती थी कि कोई फिरोज खान के पास भी आए और उन्होंने सबको कमरे से बाहर निकालने के बाद खुद ही फिरोज के पार्थिव शरीर को नहलाकर अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया। बताया जाता है कि जब जवाहरलाल नेहरू ने अपने दामाद फिरोज गांधी के पार्थिव शरीर को देखा तो उनका चेहरा एकदम नीला पड़ गया था और घर के बाहर फिरोज गांधी के अंतिम दर्शन के लिए लगा लोगों का हुजूम देखकर वो चौंक गए और कहा कि मुझे नहीं पता था फिरोज को लोग इतना पसंद करते थे। 9 सितंबर की सुबह फिरोज गांधी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करने के लिए निगम बोध घाट की तरफ रवाना किया गया। कहा जाता है कि जब फिरोज गांधी को पहली बार दिल का दौरा पड़ा था तभी उन्होंने अपने दोस्त से कह दिया था कि वो अपना अंतिम संस्कार पारसी रीति रिवाज से नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पारसी समुदाय के अंतिम संस्कार की परंपरा हिंदू, मुस्लिम यहाँ तक कि ईसाइयों से बहुत अलग है, क्योंकि ना तो इस धर्म में शव को जलाते हैं और ना ही दफनाते हैं, बल्कि उसे टावर ऑफ साइलेंस पर रख देते हैं, जहाँ पर चील, कौवे और अन्य जानवर उसे नोच नोच कर खा जाते हैं। हालांकि फिरोज गांधी के निधन के बाद कुछ फारसी परंपराओं को भी फॉलो किया गया, लेकिन उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से किया गया और 16 साल के बेटे राजीव गांधी ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। बताया जाता है कि फिरोज गांधी के अंतिम संस्कार के बाद उनकी अस्थियों को 3 हिस्सों में किया गया, जहाँ पर एक हिस्सा पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौजूदगी में इलाहाबाद के संगम में प्रवाहित कर दिया गया। वहीं अस्थियों के दूसरे हिस्से को इलाहाबाद में ही दफन कर दिया गया। ये वही जगह है जहां पर फिरोज गांधी ने अपने जीवन का ज्यादातर वक्त बिताया। वहीं अगर बात करें उनकी अस्थियों के तीसरे हिस्से की, तो उसे उनके परिवार के कुछ सदस्य के द्वारा सूरत ले जाया गया और उनकी पुश्तैनी कब्रगाह में दफनाया गया। जहां पर इन अस्थियों को दफनाया गया वहां पर एक कब्र भी बनाई गई, जिसको लेकर आए दिन सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ता रहता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।